हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं ये किचन्स ऑफ इंडिया का डेली ट्रीट दाल मखनी, जो कि आईटीसी का है। दाल मखनी सर्विंग सजेशंस, तो ये हमने मंगाया था अक्टूबर 2020 में, और ये आप देख सकते हैं, और अभी 2022 चल रहा है, इसीलिए हमने इसको इसीलिए रखा हुआ था कि हम देखना चाहते थे कि क्या ये एक डेढ़ साल बाद भी ठीक रहता है या नहीं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट जुलाई 2023 की है। और अगर प्राइस की बात करें तो 100 रुपीज़ हैं, 285 ग्राम है इसमें। और इसको बनाने का मेथड ये है, या तो हम पैन में इसको सीधा डालकर 3 से 5 मिनट तक रख सकते हैं, या फिर ओवन भी है और पाउच का भी है, जो कि मेरी पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और इसके इंग्रेडिएंट्स पानी, उड़द दाल, मिल्क क्रीम, बटर, टोमेटो प्योरी और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, राजमा, चना दाल, गार्लिक, नमक, जिंजर, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर और फेनुग्रीक लीव्स, ये सब चीज़ें हैं। और बाकी के न्यूट्रिशन फैक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, बाकी की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, और सर्विंग इसकी है पर पैक अबाउट 3, ऐसे इसमें लिखा हुआ है 3 लोगों के लिए सर्विंग। इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो इस तरह का पैकेट है ये। तो इसको हम गरम करते हैं, पैन में करेंगे। तो ये यहाँ हमने पैन को गरम कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। इसको हम पैन में डाल देते हैं, और इसको हमें 3 से 5 मिनट तक गरम करना है, जैसा कि पैक में लिखा हुआ था। हम गरम कर लेते हैं, और जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि 3 सर्व्स हो सकते हैं, 3 सर्व्स तो नहीं हो पाएंगे, 1 से 1.5 जने के लिए काफ़ी है ये। हाँ, अगर कोई कुछ लोग 2-3 चम्मच खाते हों तो उनके लिए आराम से हो जाएगा, हमें जैसे लोगों के लिए सिर्फ 1.5 लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। और यहाँ पर हो चुके हैं हमारे 4 मिनट, तो अब हम गैस को बंद करके इसको बाउल में निकाल लेते हैं। और इसका कलर कुछ येलोइश इसमें वीडियो में दिख रहा है, लेकिन ये कलर एक्चुअली में रेडिश है। तो यहाँ पर आ गई है हमारी दाल मखनी कुछ इस तरह की, ये एक बाउल है, इतनी ही क्वांटिटी में है ये, तो आप देख सकते हैं दाल। और ये रहा राजमा, और चना दाल भी दिख रही है। तो अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि कैसी लगती है। और हमने यहाँ पर परांठा रेडी कर लिया है, तो इसको हम परांठे के साथ टेस्ट करके देखते हैं। और खाने में तो अच्छी है ये, मतलब आप ट्राई कर सकते हैं इसको।
और 1.5 साल के बाद भी ये ख़राब नहीं हुई है। ये इसकी इसे केमिकल्स का कमाल है कि खाने में भी बिल्कुल फ्रेश लग रही है। तो यही एक्सपेरिमेंट मुझको देखना था कि क्या ये ख़राब होती है या नहीं, इसीलिए मैंने इसको लगभग 1.5-2 साल तक रखा उठाकर, और आज इसको ट्राई किया है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। प्राइस इसके 100 रुपीज़ हैं 25 ग्राम्स के, और 3 सर्विंग्स तो नहीं हो पाएगी, 2 लोगों का मान सकते हैं हम। और अगर चावल के साथ खा रहे हैं तो 1 या 1.5 लोगों का। लेकिन दाल अच्छी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं।